एक नाइट हमने हाउस बोट में रहने का डिसाइड किया, तो लास्ट नाइट हमने हाउस बोट में स्पेंड किया। ये हमारा हाउस बोट का नाम है हांगकॉन्ग। तो हाउस बोट इज़ अ मस्ट इन कश्मीर। तो जब भी आप कश्मीर आओ, हाउस बोट इज़ अ मस्ट, आप ज़रूर, मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और कहीं नहीं है यहाँ पे। तो हाउस बोट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बोट होता है, मतलब बहुत बड़ा बोट जिसमें रूम्स होते हैं, मतलब काइंड ऑफ होटल। तो आप देख सकते हो ये डल लेक है और यहाँ पे इसके साइड में बहुत सारे हाउस बोट लगे हुए हैं, मतलब पूरे लेक के एंड तक। तो हमने जो हाउस बोट लिया वो बिल्कुल डल लेक के रोड के सामने वाला लिया। तो प्राइस के हिसाब से डिपेंड करता है, तो जो रोड के सामने होगा उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा और जो अंदर की तरफ होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। और अभी ऑफ सीज़न है तो रेट्स काफ़ी कम है, पर सीज़न में रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हाउस बोट जो होता है, ये बहुत सारे बैम्बू के हेल्प से इसको यहाँ पे एक जगह इसको स्टिल करते हैं, ये मूव नहीं करता है। ये आप देख सकते हो बहुत सारे बैम्बूज यहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए हाउस बोट रहता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, मतलब इतना अच्छा लगेगा कि आप पानी के बीच में स्टे कर रहे हो। ये हमारा हाउस बोट है और सारे हाउस बोट की खासियत यह है कि ये पूरे वुडन आर्किटेक्चर से बना होता है, मतलब आप देखोगे इतने सुंदर कार्विंग्स है ये सारे हाउस बोट के। अभी हम आपको जब रूम टूर कराएंगे तो आप देखोगे इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब सब कुछ वुडन से कार्विंग की हुई है, लाइक वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। चलिए हम आपको रूम टूर कराते हैं। ये है हमारा रूम। हाउस बोट में लाइटिंग थोड़ी सी कम है, ऑफ सीजन है इसलिए पूरी हाउस बोट खाली है। इसमें तीन रूम है, ये सबसे बड़ा वाला रूम हमने लिया है और इसमें एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड भी है और काफ़ी बड़ा रूम है ये। ये वॉशरूम है, बाथटब है, बाथटब के अंदर ही नहाना पड़ता है बिकॉज सब वुडन है इसलिए बाहर ज़्यादा पानी नहीं फैला सकते। सामने से शिकारा से आना पड़ता है, छोटी सी नाव होती है हाउस बोट वालों के पास, वो आपको लेके आएंगे और यहाँ पे उतारेंगे स्टेयर्स के पास। तो इसमें भी एक ऑप्शन है, आप ये सब देख के आइए। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो कुछ हाउस बोट्स में फूड फैसिलिटी होती है, कुछ में नहीं होती है। तो अगर इनकेस नहीं है तो आपको हर टाइम जब भी आपको बाहर जाना होगा तो आपको ये शिकारास लेने पड़ेंगे, जो शायद यहाँ तो सामने है हाउस बोट तो इसीलिए शायद 10 रुपये लगते हैं। अगर आप पीछे कहीं अंदर लोगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आपको यही शिकारा में बार बार बैठ के जाना पड़ेगा और अपना मतलब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी करना है। अगर आपको फूड का कंसर्न है तो आप वही हाउस बोट बुक करिए जहाँ पे फूड की फैसिलिटी हो। बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होता है कि हाउ सेफ इज़ कश्मीर। तो अगर ऑनेस्टली बोलूँ, नॉन टूरिस्ट एरियाज़ में घूम रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो फीमेल्स के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, बिकॉज यहाँ के लोगों का कल्चर और हमारा कल्चर जनरली रेस्ट ऑफ इंडिया का बहुत डिफरेंट। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम रहे थे, पब्लिक कैब में हम गुलमर्ग भी गए, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता। तो मैं यही ऑनेस्टली यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ फीमेल्स हैं तो आप प्राइवेट कैब सी करिए, वो एक्सपेंसिव होगा बट वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, मतलब आपको ऑकवर्ड स्टेयर्स नहीं मिलेगी। और जहाँ पे हम रुके थे वो कम्प्लीटली एक कश्मीरी रेजिडेंशियल एरिया है, एज सच लोकल्स लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दोज आर बिटवीन मिलिटेंट्स एंड आर्मी, तो ऐसा कोई मतलब कंसर्न का बात नहीं है। पर डेफिनेटली हम जहाँ से आ रहे हैं हमको थोड़ा सा अजीब ही लगता है, मतलब फर्स्ट नाइट को मैं भी काफ़ी डर गई थी। इनफैक्ट मतलब मुझे ऐसा लगा था कि अभी मैं वहाँ से चली जाऊँ, बट फिर मुझे धीरे धीरे एडजस्ट किया, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। और ऐसा कोई सेफ्टी का कंसर्न था नहीं तो वहाँ पे रुके, बट जनरली यही प्रेफर करूँगी कि मैं आप होटल्स में ही रुके और टूरिस्ट एरिया में रुके, जो ज़्यादा सेफ़ है और आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने को मिलेगा। एज सच कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और हम ऑफ सीज़न में आए, विंटर के टाइम में, नवंबर में, तो काफ़ी चीज़ें बंद है बिकॉज इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, तो काफ़ी जो पॉइंट्स है वो बंद है। जैसे कि हम गुलमर्ग गए थे, गुलमर्ग खुला हुआ था, बट सोनमर्ग, पहलगाम, काफ़ी चीज़ें बंद है,
तो हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे बिकॉज इतनी ज़्यादा बर्फ है. तो वो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पॉइंट है ऑफ सीजन में आने का. अक्टूबर मंथ आई थिंक बेस्ट मौसम रहेगा, लेकिन वहाँ पे उस टाइम आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी. तो अगर आपको बर्फ देखना है तो आपको नवंबर के बाद ही आना पड़ेगा, नवंबर दिसंबर, लेकिन आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे देखने के लिए. तो ये था कश्मीर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे. हमारा ट्रिप यहीं एंड होता है. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट से फ्लाई करते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो अपने पास ज़्यादा टाइम लेकर आएँ, खासकर अगर सुबह का फ़्लाइट है. तो यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स हैं. एयरपोर्ट एंटर होने से 1 किलोमीटर पहले ही पहले एक चेक होगा जो वहाँ की CRPF है वो करती है. उसके बाद गेट पे भी आपको काफ़ी देर रुकाया जाएगा, देन आपको अंदर आने दिया जाएगा, फिर आपका सिक्योरिटी चेक होगा. उसके बाद हैंड बैगेज भी बहुत अच्छे से चेक होगा, वो खुद आपका हैंड बैगेज लेंगे और एक एक चीज़ आइटम बाहर निकाल के उसको चेक करेंगे. तो इतना सब टाइम लगेगा, तो आप ज़्यादा टाइम लेके आएँ. और ठंड यहाँ पे खासकर विंटर में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये जो विंटर्स के बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो आप पूरा प्रिपेयर्ड होके आएँ. और सुबह जब एयरपोर्ट पे भी आएंगे तो भी पूरा प्रिपेयर्ड होके आएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी देर खड़ा किया जाए. एयर एशिया के साथ ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है, और मैं बता दूँ कि एयर एशिया की सर्विस बहुत ही पैथेटिक सर्विस है. 2 घंटे पहले एटलीस्ट एयरपोर्ट पर बुलाया जाता है, लेकिन उनका स्टाफ जो है वो फ़्लाइट टेक ऑफ होने से 1.5 घंटा पहले पहुंच रहा है. तो मतलब आधा पौना घंटा हम माइनस का टेम्परेचर था और हम बाहर खड़े हुए हैं, और उनका स्टाफ अभी पहुंचा ही नहीं है. और स्पेशली सुबह का फ़्लाइट था, इसीलिए 9:45 का हमारा फ़्लाइट था, वो अराउंड 8 बजे उनका स्टाफ पहुँच रहा है. तो अभी खैर सब कुछ हो गया है, पूरा सिक्योरिटी चेक हमारा हो गया है. अब हम बस हम अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने का वेट कर रहे हैं. 30-35 मिनट्स बचे हैं, तो चलिए हमारा अभी बोर्डिंग का टाइम हो गया है, तो हम जा रहे हैं. और कश्मीर का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है. मिलते हैं इसके बाद किसी नई डेस्टिनेशन पे.